Assalamualaikum students. I hope you are fine. I am from IACA school system. I am ready to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding mathematics or solving question. I am your mathematics teacher and also class in charge. Class 5th, math, lecture number 16. I hope so long first 7 first 15 lecture clear kar liye hoge. So mein year number 1, year number 2 uska main brief explanation ki thi, question solve kiye the. Now year number 3 fractions on your book. अदर इस यूनिट में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर एक्सरसाइज 3A यूनिट नंबर 3 पी सी ऑन पेज नंबर 41 ऑन योर बुक. सी ऑन पेज नंबर 41 टेक योर बुक. आज हम लोग 3A एक्सरसाइज 3A डिस्कस करेंगे. इसमें हमारे पास मेन एक्सरसाइज क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास फ्रैक्शन है. आप लोगों के एक दो क्वेश्चन समझ आ गए तो आप लोग इजीली इस पर कमांड हासिल कर सकते. तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और वर्ड प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को आइडिया दूंगी. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारे स्कूल ब्लैंक्स पे है. ट्रू फॉल्स और वो है. तो आप लोगों को ये क्वेश्चन इस पर कमांड हासिल होगी तो आप लोग ईजिली ट्रू फॉल्स ब्लैंक्स हल कर सकते हो और ईजिली सॉल्व. फिर भी अगर आप लोग ना सोल्व कर पाओ या आप लोगों को वेकेशन टास्क में भी है प्रेजेंट ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स तो आप लोग ना सोल्व कर पाओ तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि इसका प्रेजेंट ब्लैंक का क्या आंसर है, मतलब ये कैसे इसका आंसर ये आया है. तो इस तरह से नाउ ओवर टुडे लेक्चर एड द फॉलोइंग. हम लोगों ने एड द फॉलोइंग करना है. पार्ट ए पहले करेंगे, ये वाला आपको करोगे. पार्ट बी सिमिलर इस तरह है. फिर पार्ट सी के बारे में बता दूंगी, इसका फ्रैक्शन चेंज है थोड़ा. तो फिर आगे हमारे पास फर्दर सोल्व हो जाएगी इस तरह. फिर थ्री का पार्ट ए, फाइव का पार्ट ए हम लोग करें. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एड द फॉलोइंग. एड द फॉलोइंग हम लोग इसका ऐड करने का क्या तरीका है, हम लोग इसका तो नहीं ऐड करेंगे ना ऊपर चीज़ के साथ, नीचे चीज़ के साथ इसका तो ऐड नहीं करते ना हम लोगों को. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन तरीका क्या है, 1/5 फ्रैक्शन के फॉर्म में प्लस 3/20 फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब डिवाइड के फॉर्म में. तो हम लोग कहेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में. तो इसलिए इसका चैप्टर का नाम फ्रैक्शन रखेंगे क्योंकि ये सारा यूनिट फ्रैक्शन में है, मतलब हम लोग यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पीछे आप लोगों ने एलसीएम लेना सीखा था. तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 और 12 है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे. 5 और 20 है, सॉरी 5 और 20 है इसका एलसीएम ले लेंगे. कैसे एलसीएम लेंगे, 5 और 20 है तो 2 2 10 10 20 होता है 5 एज इट इज़. क्योंकि 5 का हम लोग छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं तो 5 का टेबल हम चेक करें, 2 का टेबल चेक करें तो 2 का टेबल से डिवाइड हुआ, इससे नहीं डिवाइड हुआ तो एज इट इज़ आ गया. फिर 2 5 5 एज इट इज़ आ गया. 2 2 5 10 10 5 10 10 हो गए. तो 5 5 का आप कह सारी बात, इसका 2 का टेबल नहीं जा सकता, 3 का टेबल नहीं जा सकता, 3 3 होता तो 3 का टेबल जाता ना. तो 5 5 1 10 5 5 1 10 5 तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 5. इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देखेंगे, 2 × 2 2 × 2 = 4 4 5 × 4 = 20 तो 20 आएगा. 2 2 × 4 4 × 5 5 4 5 × 20 तो ये हमारे पास 20 हमारे पास एलसीएम आ गया. तो हम लोग लाइन लगाइए 20 लिखती है. अब हम लोगों को मेन एलसीएम लेने का तरीका है 5 5 कितने दफ़ा 20 हुआ, 5 को मतलब 20 को डिवाइड बाई 5 करते हैं कि 5 कितने दफ़ा 20 आया. 5 हमारे पास 5 4 × 20 आता है, 5 4 × 20 आता है. तो हम लोग इन एक चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब नीचे हम लोग चीज़ डिवाइड कर रहे हैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 20 डिवाइड बाई 5 कर रहे हैं. 5 4 × 20 आता है तो फिर 4 को मल्टीप्लाई भी 1 करते हैं. तो 5 4 × 20 आया तो 4 1 × 4 ठीक है. फिर प्लस 20 है, 21 × 20 डिवाइड होगी 1 आ गया. तो 1 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 1 × 3 तो 4 + 3 हमारे पास क्या है, 7 × 20 हमारे पास आंसर आ गया. सो इसी स्टूडेंट्स नाउ अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, आगे भी क्वेश्चन सिमिलर है हो जाएगा आप लोगों से, लेकिन ये जो है इसकी फ्रैक्शन चेंज है इसके बारे में आपको बता दूंगी, आप लोगों को समझ आ जाएगा. आगे ऐसे मिलेना और इस तरह सॉल्व करना. 2 और हमारे पास 3 × 7 + 4 4 × 21 ये हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में और चेंज फ्रैक्शन है. इसको हम लोग कैसे करेंगे कि ये 2 + 4 ये वाली चीज़ है ना, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब ये चीज़ इन दोनों के दरमियान में. तो इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, इसका एक ये आसान तरीका है कि 2 + 4 का अलग कर लेते हैं और फिर प्लस लगाएंगे, प्लस एज इट इज नीचे और 3 / 7 और प्लस 4 / 20 मतलब 2 + 4 3 / 7 + 4 / 7 इसको हम लोगों ने इसका चेंज किया. तो 2 + 4 ये हमारे पास आ गया, तो 2 + 4 हमारे पास 6 आ गया, प्लस हमारे पास ये मतलब 3 / 7 और 4 / 21 है. इसका हम लोग 7 और 21 कैल्सियम लिए, 21 और 7 कैल्सियम लिए, पहले 2 पे टेबल नहीं जा सकता था तो 3 पे गया, 3 7 × 21 हुआ तो 7 एज इट इज़ आ गया. 7 × 7 × 7 × 3 × 7 तो 7 × 3 = 21 3 7 × 21 तो 21 मतलब सबसे मार्ग ये चीज़ एज इट इज़ एज कॉमन नहीं देखने, हम लोग सिर्फ ये चीज़ सॉल्व कर 7 7 3 × 21 होता है. 7 को 21 को डिवाइड बाई 7 किए तो 3 टाइम हुआ है, 7 3 × 21 हुआ तो 3 3 टाइम
9 हुआ है, प्लस 21 है, 21 वन टाइम 21 होता है तो 4 वन टाइम 4, तो 9 प्लस 4 क्या होगा 13, 9 10 11 12 13, 13 आ गया, 21, ये हमारे पास प्लस की फॉर्म है, ये हमारे पास प्लस की फॉर्म है, तो हम लोग इसको इस चीज़ को हम लोग प्लस की फॉर्म में लिखा है ना, 3 + 3 = 7 इसका लिखा, तो हम लोग इसको हम लोग सिंपल एक फ्रैक्शन इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाली चीज़ प्लस में कन्वर्ट हुई है तो ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरह मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो सकती है, 6 हमारे पास दरमियान में लिख दे और 13 / 21, इसका भी मतलब यही होता है कि इसका मतलब यही होगा कि ये इसके साथ प्लस होगा, क्योंकि हम लोग बताऊँ क्या करते हैं, 6 + 13 इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ सकता है। तो एक्जैक्टली स्टूडेंट्स ये आप लोग यहाँ तक, आप लोग यहाँ तक भी लिख के भी दे दोगे तो आंसर ठीक है, लेकिन आप लोग फ्रेशन फॉर्म में लिखो जिस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ज़्यादा गुड है। नाउ योर क्वेश्चन 5 है, इसका आप सेपरेट फॉर्म में आप लोग बताऊँगी सेपरेट क्वेश्चन कैसे करने हैं, सेपरेट द फॉलोइंग 3 verb 8 - 1 verb 6, इसको हम सेपरेट करना है, 8 और 6 का एलसीएम मिलेगा, ये नहीं कि जैसे आप लोगों ने यहाँ किया जी यहाँ 20 भरा है तो 20 इसका एलसीएम होगा, यहाँ 21 भरा है 21 एलसीएम होगा, इस तरह नहीं करना कि 21 इंटरेक्ट लिख देना, हम लोगों ने एलसीएम वे में लेना है क्योंकि किसी किसी का एलसीएम चेंज आता है और किसी का 21 आ जाता है, वो मतलब को एक्सीडेंट होता है कि मतलब आ जाता है, 8 और 6 है कि वो दोनों डिविजिबल थे, लेकिन यह 8 और 6 है, अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, 8 और 6 है, आप लोगों ने हमेशा एलसीएम लेके जरूर चेक करना है और फिर आप एलसीएम लेना, ये नहीं कि डायरेक्ट आप लोग यहाँ 8 लगा दो, इसका फिर हमारा क्वेश्चन हाल होगा, 8 और 6 है, अब इसका हम एलसीएम लेके चेक करते हैं, 2 4 times 8 2 3 times 6, फिर 2 2 times 4 3 as it is 2 1 times 2 3 as it is 3 1 times 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3, ये हमारे पास एलसीएम आया, 2 2 times 4 4 2 times 8 8 3 times 24, ये आप लोगों का एलसीएम आ गया, तो हम लोगों ने एलसीएम इधर लिखा है। नाउ आप लोगों की वही प्रोसेस है कि 8 कितने दफ़ा 24 होता है, मतलब 24 / 8 क्या होता है, तो ये हमारे पास 3 आएगा, 8 3 times 24 होता है तो 3 3 times 9 होगा, मतलब इस चीज़ को डिवाइड करते हैं ना, 24 / 8 करते हैं तो 8 3 times 24 आता है तो 3 3 times 9 तो -6 है, 6 है, अब इसको हम लोगों ने डिवाइड करना है 24 से 24 / 6 है तो 6 हमारे पास 4 times 24 होता है तो 6 4 times 24 होता है तो 4 ऊपर चला गया तो मतलब 4 को मल्टीप्लाई 1 करते हैं, 4 1 times 4 4 आ गया तो 9 - 4 9 - 4 निकाले तो 5 आ गया आंसर, 5 / 24 इजी स्टूडेंट्स ने इसको स्प्रेड कर दिया। नाउ आगे भी स्प्रेड वाले क्वेश्चन ऐसे है, नाउ फर्स्ट हम लोग वर्ल्ड प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्व करेंगे और फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम, रशिद वॉक 3 20 3 / 4, ये हमारे पास 3 / 4 एक फंक्शन के फॉर्म में, मतलब डिवाइड के फॉर्म में इसको फंक्शन कहते हैं, किलोमीटर एंड देन टोकर राशि, जो एक राशि है इस एक बंदे का नाम है वो चल रहा है 3 / 4 किलोमीटर इतना चल रहा है और देन टोकर राशि और देन उसने मतलब आराम किया, देन ही वॉक 1 / 2 किलोमीटर मोर, मतलब फिर आगे 1 / 2 किलोमीटर और चल रहा है, मोर मतलब और चल रहा है, तो हाउ फार डेड ही वॉक ऑल टुगेदर, तो इस उन्होंने पूछा कि आप लोग वो टोटल कितना चल रहा है, मतलब उसने पहले चल रहा है और देन आराम किया, आराम मतलब निकल गया ऐसा, फिर अब और चल रहा है, अब वो ये पूछे कि वो टोटल राशिद कितना, मतलब उसने कितना सफ़र तय किया, कितना चल रहा है वो, तो राशिद वॉक इसने कितने वॉक किए, 3 / 4 एक वॉक किया और फिर उसने आराम किया था तो 1 / 2 किलोमीटर वॉक किया, वॉक किलोमीटर लिखते हैं केम लिखते डज नॉट मैटर, राशिद वॉक ऑल टुगेदर, अब हम लोग राशिद वॉक ऑल टुगेदर फाइंड करने, मैंने यही कहा था कि ऑल टुगेदर मोर, ये चीज़ का क्या मतलब होता है कि हम लोग चीज़ प्लस करें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट नहीं करें, प्लस करें, ऑल टुगेदर प्लस करें, 3 / 4 + 1 / 2, इसका हम लोग यही प्रोसेस है कि हम लोग प्लस करने तो आंसर आ जाएगा, प्लस कैसे करेंगे कि एलसीएम लिए पहले 4 और 2 का, 2 2 times 4 और 1 as it is 2 1 2, तो 2 2 times 4 इसका एलसीएम 4 आ गया, 4 आ इस तरह 4 लिख दिए एलसीएम, तो 4 1 times 4 होता है तो 3 1 times 3 प्लस, फिर 2 2 times 4 होता है 2 2 times 4 होता है तो 2 1 times 2 तो 3 + 2 = 5 आ गया, 5 किलोमीटर आ गया, अब इसको हम लोग फ्रैक्शन के लिखने का क्या तरीका है कि 4 + 1 हमारे पास 5 होता है तो हम लोग इस तरह खोल के लिखती है, तो हम लोग इसको 4 + 1 / 4 इस तरह लिखती है, फिर हम लोग लिख सकते हैं 4 1 / 4 के हैं तो इस तरह भी आ सकता है, पीछे आंसर इस तरह आ रहा है तो मैंने इसलिए फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, लेकिन आपका आंसर यहाँ तक भी आ गया तो ये आप लोगों का आंसर ठीक कंसिडर होगा, ये इसका डिज नॉट मैटर कि आपने फ्रैक्शन में इस तरह चेंज किया या नहीं किया, मेन आपका आंसर ये है। नाउ योर डायरी इज योर नंबर 3 फ्रैक्शन, डू अंडरस्टैंड योर क्लास वर्क ऑन नोटबुक, कम्प्लीट एक्सरसाइज 3A ऑन नोटबुक, 3A नोटबुक में कम्प्लीट करनी है, फिर हमारे पास आगे 2 लेक्चर्स है, 2-3 लेक्चर्स है, फिर हम लोग उसमें 3 यूनिट कम्प्लीट करेंगे,
आई होप यू इंटरेस्टेड इन योर क्लास और डू योर होम टास्क फुल स्ट्रेस एंड लव इज ऑब्जेक्टिव चल मिस के बिल्ला स्टे होम स्टे से।